हेलो फ्रेंड्स, ग्रीट एंड ईट चैनल में मैं आरती आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे प्रॉन्स पिकल। ये स्पाइसी टैंगी पिकल सबको पसंद आएगा और अगर ये सारे प्रिकॉशंस के साथ बनाया तो ये एक दो महीने चल सकता है। प्रॉन्स पिकल बनाने के लिए हम प्रॉन्स छोटे साइज के लेंगे। यहाँ पे श्रिम्स भी यूज कर सकते हैं। प्रॉन्स को अच्छे से डीशेल करके इसमें से ब्लैक थ्रेड निकाल ले, फिर वॉश कर ले। अगर आपको प्रॉन्स स्मॉल साइज में ना मिले तो रेगुलर साइज के प्रॉन्स को कट करके उनके छोटे पीसेस कर ले। इसके लिए हम लेंगे 200 ग्राम प्रॉन्स, 5 कश्मीरी लाल मिर्च और 10 तीखी वाली मिर्च। इन मिर्चों को 1/4 कप विनेगर और 1/4 कप पानी के घोल में सोक कर लेंगे लगभग आधे घंटे के लिए। सोक करने से ये पीसने में बहुत फाइनली पीस जाते हैं। 4 टीस्पून रेडीमेड अचार मसाला, आप अगर घर पे बनाते हो तो वो आप इस्तेमाल करें। 3 टीस्पून गार्लिक को क्रश कर लेंगे। आधा चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, 2 टीस्पून राई। राई थोड़ी ज्यादा लग रही है लेकिन इसे कम ना करें। 1/4 टीस्पून हींग। लाल मिर्ची को मिक्सर में पीस लेते हैं विनेगर के घोल के साथ। जरूरत हो तो थोड़ा और पानी ऐड करें, लेकिन पानी ज्यादा ऐड करेंगे तो उसे सुखाने में ज्यादा टाइम लगेगा। एक तरफ एक बोल में प्रॉन्स को मैरिनेट कर लेते हैं हल्दी और नमक डाल के 15 मिनट के लिए। एक पैन में तेल थोड़ा ज्यादा ऐड कर लेते हैं क्योंकि तेल भी अचार के लिए प्रिजर्वेटिव है। इसमें मैरिनेटेड प्रॉन्स डाल लेते हैं और इन्हें तब तक फ्राई करेंगे जब तक इनका पूरा मॉइस्चर सूख ना जाए। थोड़ा भी मॉइस्चर अचार की शेल्फ लाइफ कम कर देगा। जैसे ही प्रॉन्स पक जाए और उनमें से पूरा मॉइस्चर सूख जाएगा, उन्हें अलग निकाल के रख लेंगे। अब बचे हुए तेल में ऐड करेंगे राई। राई के फूटते ही डालेंगे हींग और गार्लिक ऐड कर लेते हैं। लहसुन हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और फिर उसमें ऐड करेंगे मिर्ची का पेस्ट। मिर्ची के पेस्ट को इतना भूनना है कि उसमें से पूरा मॉइस्चर सूख जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। ये करना बहुत जरूरी है। अगर ये छोटे प्रिकॉशंस हम लेंगे तो ये अचार रेफ्रिजरेटर में एक दो महीने आराम से स्टोर कर सकते हैं। ऑयल सेपरेट होते ही ऐड करेंगे अचार मसाला और नमक। नमक ध्यान से डालें क्योंकि हमने प्रॉन्स को मैरिनेट करते वक्त भी नमक डाला था। दो मिनट के लिए इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे फ्राइड प्रॉन्स। फ्राइड प्रॉन्स ऐड करने के बाद फिर से 3-4 मिनट के लिए हम इसे फ्राई कर लेते हैं। इसके बाद आपका यह बढ़िया सा स्पाइसी टैंगी अचार तैयार है। इसे स्टोर करने के लिए आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर का इस्तेमाल कीजिए और इसे रेफ्रिजरेट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू।